वो प्लेस्ड है 34,890 पे। अनुज, सुबह आईटी में अच्छे स्विंग मिल गए, अभी तक तो अच्छे स्विंग मिल गए, आज स्पॉटलाइट में भी उल्लेख किया गया था, कोई जरूरी है क्या उस रिस्क को थोड़ा सा और लंबा करें? अगर ट्रेडिंग स्विंग मिल गए हो अच्छे तो उसे कैश में कन्वर्ट करते रहें, और अगर मतलब निफ्टी आईटी के सिंक होने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको यहाँ से? नहीं देखिए, बिल्कुल वीरू, आप देखिए हमें ना हमेशा मार्केट के बेसिक टेक्सचर से अलाइन रहना होता है। अगर बेसिक टेक्सचर सेल ऑन रैली का है तो इवन जहाँ पर ऐसा बन रहा है वहाँ लेना चाहिए। और एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि पहले गैप अप में नॉर्मली सेलिंग आती है, उसके बाद लोअर लेवल से फिर मार्केट एक सेकेंड रैली दिखाता है। हो भी जाएगा ना अगर निफ्टी आईटी सिंक, मेरे ख्याल से सेकेंड राउंड में भी अगर आपको एक अप्रोच लेनी है ना, वो निफ्टी आईटी पर ही लेनी है। जो सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आएगी ना, वो भी निफ्टी आईटी ही उसको लीड करेगा। तो अब ये आपने एक ट्रेड ले ली, वो स्विंग आ गई, प्रॉफिट बन गया, एक बार के लिए ले लें, उसके बाद अब जहाँ पर ये निफ्टी आईटी का स्विंग खत्म हो वहाँ पर एक बार वापस री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इवन डे ट्रेडर्स को। इसमें मुझे पूरा क्लैरिटी है। और एक चीज़, अब आज के जो हाईज हैं वो आपके एक सैक्रोसैंक्ट हैं, अगर वो क्रॉस होने लगे तब आएगी अब नेक्स्ट रैली, या तो उसको क्रॉस होने दें या लोअर लेवल पर जब ये खत्म हो जाए सेलिंग वहां पर बाय करें। तो निफ्टी आईटी पे देखिए इस बाजार में, और क्योंकि सुबह सुबह अच्छे प्रॉफिट मिल गए थे, आई मीन हार्डली 30 मिनट के अंतराल में, तो उनको कैश में कन्वर्ट करते रहिए, बहुत जरूरी है। और कुछ पेन स्टॉक्स जो अगर आप देखें दिखा रहे हैं, एक बार बहुत सारे दिग्गज स्टॉक्स, आई मीन मैंने एशियन पेंट्स का जिक्र किया, और अमूमन मैं पॉलीकैप में इतना सेलिंग का एक्सटेंडेड वर्जन देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा सेलिंग ज़्यादा है। और आज एक बार फिर से ठीक जो अक्टूबर 3rd वीक में इसने किया था वो यही करता हुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की रेंज को क्रॉस करता हुआ, मतलब वॉलेट करता हुआ। मानस, आपका टेक पॉलीकैप पे? चांद चमत्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया हुआ था वीरेन जी, तो क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 5100 है स्टॉक उस लेवल्स को टेस्ट करे, तो बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 5401 के स्टॉप लॉस लगाइए और 5100 के पोजीशन टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए मानस, अब आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, एक और स्टॉक तैयार कर लीजिए, क्योंकि उससे पहले दो ट्रेड छोड़ लेते हैं हम और ये नेगेट ना हो जाए कहीं, इसके लिए चलिए 4 का 4 की शुरुआत कर देते हैं। शिल्पा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? मुझे एल्केम लेबोरेटरीज यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जस्ट 5200 के ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 5500 के हैं, तो यहाँ पे आप जब तक स्टॉक 5200 के ऊपर सस्टेन करता है ये तैयार है 5500 के लिए। तो यहाँ पे 5200 का जो कॉल ऑप्शन जो रफली अभी बढ़ गया है 158 है अभी, सॉरी, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 130 का मेंटेन कीजिए, जो पहला टारगेट रहेगा वो 220 तक का रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन है तो आपको ये 260-300 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ओके, एल्केम लैब्स का इन द मनी कॉल लेना है आपको 5200 का, ये होगी शिल्पा जी की ट्रेड इस समय। शिवांगी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपका पिक? सुपरस्टार के लिए मैंने चुना है HAL, पूरे ही स्पेस में एक काफी अच्छा मोमेंटम है, बज है, और HAL जो अपने परसों के हाई को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है अब, तो यहां पे एक अच्छी मोमेंटम है। ओपनिंग टिक से ही हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी हुआ है इस पूरे हफ्ते, तो यहाँ पे एक जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड जो है 3180 तक के लिए एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 3000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, HAL बाय, HAL में शॉर्ट कवरिंग जारी है, आपके स्क्रीन के निचले भाग पे जो टिकर है उसमें OI शेड है, याद रखिएगा। मानस, एक चमत्कार तो मैंने आपका ले लिया, बताइए दूसरा चमत्कार आपने क्या निकाला है आज का 4 का चमत्कार? जी, तो देखिए ये शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड होगा और UPL में बिकवाली करनी है, क्योंकि आप जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं आप वो देखिए, तो आज फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो रही है और UPL ने एक सपोर्ट था 556 का, उसको ब्रीच कर दिया है। मेरा समझ है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, करंट लेवल पे आप UPL के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं, 557.50 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए, 566 के आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 540 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 555 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, ₹12 पे ट्रेड हो रहा है, ₹9 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹20 के टारगेट सेट करिए। ओके, UPL 555 की पुट ऑप्शन आपको लेनी है ₹13 में। मिड कैप फंडा नरेंद्र सोलंकी जी के सौजन्य से आएगा। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका आज का कॉल सर मिड कैप फंडा जी। गुड मॉर्निंग,
जी, आज का जो हमारा स्टॉक है वो पाइप सेगमेंट से है। कंपनी का नाम है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी मार्केट लीडर है तीन कंट्रीज में, इंडिया, यूएस और सऊदी अरेबिया में। और कंपनी का जो बिजनेस टेलविंड्स की बात करें तो चाहे गैस डिस्ट्रीब्यूशन ले लें या फिर डिसलिनेशन प्लांट ले लें सऊदी अरेबिया में, और इंडिया में जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है नल से जल योजना और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेलविंड्स बहुत ही अच्छे हैं सेक्टर के। और कंपनी के ऑर्डर बुक पोजीशन भी देखें तो इसमें मिनिमम 1 ईयर से 2 ईयर का कंपनी के ऑर्डर बुक विजिबिलिटी साफ दिख रही है। और कंपनी का जो लेटेस्ट बिजनेस है डीआई पाइप्स में, ये भी कंपनी का आगे जाके काफी इम्प्रूव होने वाला है एज एन वैन यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस। और कंपनी की जो लिवरेज पोजिशन है वो भी काफी घटेगी, और नेक्स्ट 2 ईयर में हम इसमें देख रहे हैं मोर देन 30% का रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट रहेगा 80% के आसपास, जिससे कंपनी का लिवरेज सिचुएशन भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और री रेटिंग के लिए कंपनी एकदम राइप है, और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 700 रुपीज का है। ओके, चलिए तो ये समय की ट्रेड वेल्सपन कॉर्प की, चलिए चारों के चारों ट्रेड सब आपके लिए रिकैप करते हैं। सबसे पहले शिल्पा राव जी ने एलकेम लेबोरेटरीज इस पर एक ऑप्शन ट्रेड लिया, 5200 का कॉल, 130 का स्टॉप, 220-250 के टारगेट्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है शिवांगी की चॉइस इस समय, 3000 के स्टॉप लॉस, 3180 के टारगेट। FNO सुपरस्टार में चार्ट का चमत्कार में मानस ने पिक किया सेल कॉल आज एक UPL पर, 566 का स्टॉप और 540 के टारगेट्स। केमिकल स्पेस में वीकनेस है, कल भी थी और आज रैली में सेलिंग आई। और वेल्सपन कॉर्प, यह है नरेंद्र सोलंकी की पिक मिड कैप फंडा में 700 के टारगेट्स के साथ। देखिए मार्केट में हायर लेवल पर थोड़ी सी सेलिंग आई, रेजिस्टेंस 1 पर,